किस तरीके से जीएसटी की चोरी हो रही है और किस तरीके से इस देश के अंदर आमजन को मूर्ख बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन टैक्स को लागू किया हिंदुस्तान में और उसके बाद किस तरीके से मामले तेज़ी से खुलकर सामने आने लगे उसको हम आज बताने वाले हैं कि जीएसटी का इम्पैक्ट किस तरीके से किशनगढ़ की मार्बल इंडस्ट्री पे पड़ा है। ये बिल हैं, कुछ मेरे हाथ में बिल की कॉपीज़ हैं और इन बिलों के माध्यम से आज आपको एक ऐसा मामला समझाने जा रहे हैं जो जीएसटी जो स्टेट का मुख्यालय है उसके कान खड़े कर देगा, यानी कि किस तरीके से जीएसटी की चोरी हो रही है और किस तरीके से इस देश के अंदर आमजन को मूर्ख बनाया जा रहा है उसकी हम पूरी दास्तान आज हम आपको बताने वाले हैं। ये बिल की पूरी कॉपी है, हमारे साथ एक पीड़ित हैं, ये पूरी बिल की कॉपी है, तकरीबन इसके अंदर 50 से 100 बिल होंगे, लेकिन ये बिल इन्होंने नहीं काटे, ये बिल एक ऐसे आदमी ने काटे जिसने तकरीबन 100-150 फर्म रजिस्टर्ड करा रखी हैं अलग अलग नाम के आदमियों से जो कि उसके वहाँ पर काम करते हैं और उनके नाम से व्यापार करता है। जब जीएसटी के नोटिस आते हैं, जीएसटी चोरी के नोटिस मुख्यालय भेजता है तो उसके बाद में मामला खुलकर सामने आता है और ऐसे मामले किशनगढ़ मार्बल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ये बताइए कि ये किताब, ये बिल की कॉपीज़, क्या ये बिल आपने नहीं काटे और ये पूरा मामला क्या है? बहुत आसान सी भाषा में समझाइए कि जीएसटी का नोटिस आपके पास आया है, क्या ये बिल, ये माल, ये व्यापार आपने नहीं किया? नहीं, मैंने ये माल, ये व्यापार नहीं किया है। ये हमारे के व्यापारी है राजा राम अग्रवाल, दलाल है राम अवताप राड़िया, इन दोनों ने मिलकर हमारी फर्मों में, हमारी फर्म जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, इनके कहने पर ही हमने रजिस्टर्ड करवाई थी और इन्होंने ये पूरा संचालन किया है हमारी फर्म के अंदर, बिल काटना, हमारे जैसे कि जो करंट अकाउंट है जी फर्म के नाम से, हमने करंट अकाउंट खोल रखा है, उसके जो ब्लैंक चेक भी इन्होंने साइन करवा के ले रखे थे हमें विश्वास में लेकर कि तुम्हारे जो फर्म के अंदर हम ट्रांजेक्शन करेंगे और उसका कुछ परसेंट हमें फ़ायदा भी देते थे, जैसे 20 पैसा हो गया, 25 पैसा हो गया, इससे ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं देते थे। और कानूनी कार्रवाई हमने कभी पूछा इनसे कि कोई अगर कोई दिक्कत आएगी तो इन्हें बोला कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कोई भी दिक्कत आएगी कानूनी कार्रवाई कोई भी होगी तो हम बैठे हैं, ये हमारा रोज का काम है, हम इसको सलटा देंगे ऊपर को ऊपर ही। मतलब मार्बल का व्यवसाय किया जाता था, खरीदा जाता था, बेचा जाता था, आपके नाम से कर दिया जाता था। हाँ, मेरे नाम है ना, यही हुआ। और उसके बाद में जीएसटी उसका नहीं भरा जाता था और नई बढ़ने के बाद जीएसटी का नोटिस आपके पास आया। ये जीएसटी का नोटिस कितने का आया आपके पास? जीएसटी का नोटिस अभी हमारे पास समन आया, बैठ के यहाँ से जो किशनगढ़ लोकल है ना, वहाँ से हमारे पास समन आया, उसमें कम से कम हमारे पास डिमांड आई है 24-25 लाख की, 24-25 लाख की डिमांड आई है जो हम कदा भी नहीं भर सकते। अच्छा, ये जो आदमी है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये करता क्या है और क्या इस तरीके से कितनी फर्में उसने संचालित कर रखी हैं? जब हमें मालूम हुआ तो काफ़ी कम से कम 300-400 फर्में हैं जो सभी पीड़ित है इसी मामले। 300-400 फर्म उसने रजिस्टर्ड ऐसे अपने एम्प्लॉयज़ की करा रखी हैं और उनके नाम से एम्प्लॉय, जैसे जहाँ वो काम करता है एम्प्लॉय, जैसे उसके कोई टच में आ गया तो उसको बोल देता है भाई तेरे नाम से फर्म खुलवा ले, तो जब हम ऐसे कोई ट्रांजेक्शन करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बंदा जो एम्प्लॉय होता है उसके जो टच में रहता है वो फर्म खुला लेता है, उसको दे देता है फर्म खुला। अच्छा, ये आने के बाद आप उसके पास गए भी होंगे फिर? हम गए थे हमारे पास जैसे समान आया तो हम गए थे, हमने बोला कि राजा राम जी हमारे पास ये समान आया है जीएसटी का, जो टैक्स का आया है इसको हम कदा भी नहीं भरते, इसका क्या करना है? तो उन्होंने बोला ये मेरा रोज का काम है, मैं इसको निपटा दूंगा, आप मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने जैसे और पड़ताल करी, मालूम कहा करी, तो पता लगा कि जयपुर के अंदर जो परचेजिंग आ रही है हमारी फर्म के अंदर वो पूरी फर्जीवाड़ा है, यानी कि एक्चुअल में माल आ नहीं रहा था वहाँ पे, वो नशे के जैसे सिगरेट हो गए, गुटखे हो गए, इनके इनपुट जो है टैक्स है उनको यूज में करके मार्बल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था। और जैसे हमें पता लगा तो हमने राजा राम जी को, रामता बराड़े को फ़ोन करके मना कर दिया कि हमारे बिल में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया जाए आज के बाद। तो हम और फिर उनसे जाकर हम मिले कि इसको निपटाओ, आपने बोला था कोई भी कानूनी कार्रवाई रहेगी तो हम निपटाएंगे इसको, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमने जो भी काम किया तुम्हारे नाम से किया है, तुम्हें ही निपटाना पड़ेगा, हमारा कोई रोल नहीं है इसके अंदर, ये बोला। तो किशनगढ़ के अंदर ऐसे बहुत सारे फर्म हैं
जो संचालित जो मालिक है जो प्रोपराइटर है उसके माध्यम से लिखी जा रही है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है। थोड़ा सा लालच बहुत भारी पड़ गया, यानी कि किशनगढ़ के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा लालच अपने कर्मचारियों को या जो जान पहचान के लोग होते हैं उनको देते हैं, उनको फ़ायदा बताते हैं और उस फायदे के साथ इस तरीके से जीएसटी की चोरी करते हैं। जीएसटी चोरी के साथ जब मामला उजागर होता है, जब मुख्यालय नोटिस समन जारी करते हैं, तब पता चलता है कि जीएसटी की इतनी चोरी की गई है और वो जीएसटी इतना बढ़ना है। ऐसे करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी किशनगढ़ से की जा रही है। खास बात यह है कि मार्बल के काम के लिए ये पूरा बिल काटा जाता है, लेकिन जो लेन देन होता है वो मार्बल का बिल्कुल भी नहीं होता है। खैर, देखना होगा इस पूरे के पूरे मामले में जीएसटी स्टेट का जो मुख्यालय है वो क्या कानूनी कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एमटीवी इंडिया, अजमेर।